हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी एस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, चलिए आज हम जो जनवरी माह के करंट अफेयर के भाग दो को देख लेते हैं। इससे पहले मैंने जनवरी माह के करंट अफेयर के जो भाग वन वीडियो है उसको अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए। इसमें मैंने जो है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को लिया है जो आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला कह रहा है कि केंद्रीय आवास व शहरी मामले के मंत्रालय, जो केंद्रीय आवास है और शहरी मामले के जो मंत्रालय है, उन्होंने क्या किया है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए क्या किया, फ्लिपकार्ट से समझौता किया है। ठीक है, अब ये फ्लिपकार्ट क्या करेगा, इसके साथ इन्होंने समझौता किया तो क्या करेगा, जो स्थानीय कामगारों को क्या करेगा, बाजार उपलब्ध कराना। जो इस समझौते का उद्देश्य यही है कि जो स्थानीय कामगार हैं उसको क्या करना, बाजार उपलब्ध कराना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं नसीम अल बहर युद्ध अभ्यास। ठीक है, ये नौसेना युद्ध अभ्यास है, ये भारत और ओमान के बीच हुआ है और ये कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है आपके गोवा में। ठीक, नेक्स्ट है आपके जायर अल बहर। जैसे नसीम अल बहर बोलेगा तो आपको भारत और ओमान याद रखना है, और जायर अल बहर बोलेगा तो आपको भारत और कतर करना है। ठीक है, नेक्स्ट है विंग्ड रेडर अभ्यास। विंग्ड रेडर अभ्यास जो है भारतीय नौसेना द्वारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में किया जा रहा है। विंग्ड रेडर अभ्यास ये भी एक नौसेना अभ्यास है, ये भारतीय सेना द्वारा क्या किया जा रहा है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ये अभ्यास किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आते हैं इसरो। ठीक, इसरो से संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्या रहा। देखो, जो इसरो है, इसरो के द्वारा तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में SSLV मतलब स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए दूसरा लॉन्च पोर्ट स्थापित किया जाएगा। याद रखना है, दूसरा लॉन्च पोर्ट कहाँ, तो तूतुकुड़ी में। ठीक है, तूतुकुड़ी में स्मॉल सेटेलाइट मतलब छोटे छोटे सेटेलाइट को जो है लॉन्च करने के लिए जो है आपका तूतुकुड़ी में एक लॉन्च पोर्ट स्थापित किया जा रहा है, और कहाँ है ये, तमिलनाडु में। नेक्स्ट, इसरो के द्वारा ही कर्नाटक के चेल्लाकेरे में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना की जाएगी। कहाँ, चेल्लो पर। देखो, तूतुकुड़ी में जो है स्मॉल सैटेलाइट व्हीकल लॉन्च व्हीकल स्थापित किया जाएगा, और चेल्लो केरे मतलब कर्नाटक के चेल्लो केरे में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापना की जाएगी। दोनों इसरो के द्वारा ही की जाएगी। तो इसरो का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर, और इसका हेडक्वार्टर, ये क्वेश्चन आते हैं तो हेडक्वार्टर आपका बंगलुरु में है। 1969 में ये इसकी स्थापना हुई थी इसरो की, और फाउंडर जो है कौन है, तो विक्रम साराभाई। ये क्वेश्चन जो है आपके जो MPPCS के एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि इसरो के फाउंडर कौन है, तो आपको बताना है विक्रम साराभाई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्रिस्टीना कोच। तो क्रिस्टीना कोच अभी जो स्पेस में रह के आई है, तो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है कि स्पेस में 328 दिन मतलब सबसे लंबे समय तक रहने वाली ये पहली महिला बन गई है। कौन, क्रिस्टीना कोच, आपको इसको याद रखना है, अमेरिका से है ये। ठीक, नेक्स्ट है AK-203 असॉल्ट राइफल के बारे में देख लेते हैं। ये जो है 1,00,000 आयात के लिए मतलब 1,00,000 आयात के लिए भारत और रूस के बीच क्या हुआ है, समझौता हुआ, मतलब इसका आयात जो है आपके कहाँ किया जाएगा, भारत में 1,00,000 आयात। ठीक है, 1,00,000 है, सिर्फ आयात याद रखना। अगर पूछा जाता है तो यही पूछा जाएगा कि AK-203 असॉल्ट राइफल जो है किसके किसके मध्य इसके लिए समझौता हुआ है, तो आपको वो याद रखना है, भारत और रूस। डिफेंस एक्सपो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डिफेंस एक्सपो 2020, ये एक तरह से रक्षा डिफेंस के लिए है, रक्षा विज्ञान प्रदर्शनी है, जिसका आयोजन आपके लखनऊ में हुआ है। बस आपको याद रखना है कि डिफेंस एक्सपो का जो है आयोजन जो है आपके लखनऊ में हुआ है 2020 का। सारंग क्या है, सारंग एक स्वदेश निर्मित तोप है, याद रखना है, सारंग एक स्वदेश निर्मित तोप है जो उसको भारतीय सेना में शामिल किया गया है हाल ही में। ठीक है,
शामिल किया जाएगा। याद रखना है सारंग, अगर आपके पूछा जाता है कि सारंग जो है किससे संबंधित है या सारंग क्या है, तो स्वदेश निर्मित तोप है जिसको हाल ही में जो है भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है आपके बायोरॉक। बायोरॉक जो है ये गुजरात में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है, किसके द्वारा, ZSI मतलब भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा। ये जो है देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित बायोरॉक है। इसमें क्या किया जाएगा कि जो लुप्त प्राय जो प्रवाल है, ठीक है, जो प्रवाल जो है लुप्त हो चुके हैं उनकी पुनर्प्राप्ति के लिए जो है बायोरॉक जो है स्थापित किया गया है गुजरात में। किसके द्वारा अगर पूछा गया तो आपको बताना है ZSI के द्वारा, और ये देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं, देखो पद्म विभूषण, देखो पद्म भूषण होते पद्म विभूषण सर, तो ज्यादातर क्वेश्चन आपके किसमें से पूछे जाते हैं, पद्म विभूषण से, ठीक है, तो पद्म विभूषण से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पद्म विभूषण लिखा हुआ है, जिसमें जो है 7 व्यक्तियों को इस बार पद्म विभूषण मिला है, ठीक है। पहला आपका MC मैरीकॉम को मिला है। MC मैरीकॉम पूछा गया कहाँ से है, तो आपको बताना होगा मणिपुर से, और किस क्षेत्र से संबंधित है, तो खेल से, जो बॉक्सिंग खिलाड़ी है, ठीक है, ये जो है बॉक्सिंग खिलाड़ी है, तो आपको बताना है MC मैरीकॉम मणिपुर से संबंधित है, और ये मणिपुर से है, और ये खेल से संबंधित है, कौन से खेल से, तो बॉक्सिंग से। नेक्स्ट है अनिरुद्ध जगन्नाथ जो है ये मॉरिशस से है, ये किसी दूसरे देश से है, तो अगर आपके पूछा जाए कि किस देश के PM को जो है पद्म विभूषण दिया गया है, तो आपको बताना है मॉरिशस से, ठीक है। तो ये है अनिरुद्ध जगन्नाथ, ये मॉरिशस से है, और ये जन सेवा के क्षेत्र में जो है इनको ये पद्म विभूषण दिया गया है। नेक्स्ट है पंडित चंदूलाल मिश्रा, ये उत्तर प्रदेश से है संबंधित है, और ये कला क्षेत्र से संबंधित है, जो शास्त्रीय गायक है ये जो है पंडित चंदूलाल मिश्रा जी है। नेक्स्ट है अरुण जेटली, देखिए ये 3 है, और नेक्स्ट 4 जो है, 4 जो लोगों को मिला है उनको मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। पहला आपका जो है अरुण जेटली, नेक्स्ट है आपका सुषमा स्वराज, ठीक है, ये दोनों जो है दिल्ली से हैं, और इनको जन सेवा के क्षेत्र में मिला है। ये जो है अरुण जेटली, आप सबको पता होगा कि ये पूर्व वित्त मंत्री थे, और ये सुषमा स्वराज जिनका निधन हो गया था, ये है आपके पूर्व विदेश मंत्री रही हैं। नेक्स्ट है आपका जॉर्ज फर्नांडिस, ये बिहार से है, इनको भी जन सेवा के क्षेत्र में मिला है पद्म विभूषण। नेक्स्ट आपका स्वामी विश्वस्त्री तीर्थ, ये कर्नाटक से है, और इनको अध्यात्म के क्षेत्र में मिला है। तो ये 4 हैं जिनको जो है मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण मिला है, तो इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम। खेलो इंडिया यूथ गेम का 3रा संस्करण हुआ था अभी 2020 में, जो कहाँ हुआ है, तो आपको बताना है गुवाहाटी में। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम जो है हाल ही में हुआ कहाँ हुआ, तो आपको बताना है गुवाहाटी में, ठीक है, असम में। और ये जो है इसका शुभंकर क्या रहा, तो जय एवं विजय शुभंकर रहा, और इसमें प्रथम कौन रहे इस खेल में, तो महाराष्ट्र जो है प्रथम रहा, ठीक। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ये 2020 ये कहाँ होगा, तो ये भुवनेश्वर में होगा, ठीक है, ये 22 फरवरी से 1 मार्च के बीच ये चलेगा, मतलब चल रहा होगा अभी, तो ये जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में हो रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। बाकी जो कौन प्रथम रहा, इसके रिजल्ट क्या रहे, इसको हम नेक्स्ट जब फरवरी के करंट अफेयर करेंगे उसमें करेंगे। राष्ट्रीय स्वयं सिद्ध पुरस्कार हाल ही में दिया गया है, किसको दिया गया है, तो कृति भारती को दिया गया है। ये देश की ऐसी पहली महिला है जिन्होंने बाल विवाह निरस्त किया है, ठीक है, वाली पहली महिला, बाल विवाह निरस्त करने वाली ये देश की पहली महिला बन गई है, इन्हीं को राष्ट्रीय स्वयं सिद्ध पुरस्कार दिया गया है, कृति भारती। चलिए जनवरी माह के कुछ कर योजनाओं को देख लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला है आपका सक्षम योजना। सक्षम योजना जो है कौन से मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है, तो केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा, और ये जो है ईंधन के संरक्षण के लिए होगा।
ठीक है, आपके यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे कि आपको दे दिया सक्षम अभियान जो है कौन से मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है, तो आपको बताना होगा केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, और उद्देश्य क्या है, तो इसको क्या है, ईंधन का संरक्षण करना है इसका उद्देश्य। पूर्वोत्तर मिशन जो है आपके केंद्रीय इस्पात मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है, और इसका उद्देश्य है कि स्टील हब के द्वारा पूर्वोत्तर राज्य का विकास करना। ठीक, स्टील हब मतलब इस्पात हब के द्वारा जो है आपके पूर्वोत्तर राज्य का क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा इस मिशन के द्वारा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। ये नाम से ही सीधे कि अगर दुर्घटना में कोई किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसको जो है राज्य सरकार क्या देगी, 5 लाख वित्तीय सहायता देगी, और ये जो है उम्र जो इनका होना चाहिए 18 से 70 वर्ष, और जो ये चलाया जा रहा है कौन से गवर्नमेंट, तो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये योजना चलाई जा रही है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दामिनी, ये भी आपके यूपी से संबंधित है, ये एक तरह का हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, जो सड़क परिवहन जो मंत्रालय है उसके द्वारा जो है ये हेल्पलाइन नंबर जो है जारी किया गया था यूपी दौर में, और ये जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये था। ठीक है, अम्मा बूढ़ी योजना, दोनों को एक साथ याद रखिएगा, आरोग्य श्री, ये दोनों जो है आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की योजना है अम्मा बूढ़ी और आरोग्य श्री योजना। इसमें क्या है, अम्बा बूढ़ी में क्या है कि गरीब छात्र होंगे, ठीक है, जो गरीब छात्र होंगे उनको जो है 1 से लेकर 12th तक के में उनको 15,000 रुपए पर साल पर ईयर जो है उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी अम्बा बूढ़ी योजना में। आरोग्य श्री योजना का है कि ये भी आंध्र प्रदेश, ये जो है गरीबों को मुफ्त चिकित्सा प्रदान करना है इसके अंतर्गत, जो गरीब परिवार से होंगे या जो गरीब होंगे उनको जो है फ्री में जो है उनकी चिकित्सा प्रदान की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका साइबर सेफ वुमन, दो और योजना है जो महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र की दो योजनाएं आपको याद रखनी है, महाराष्ट्र से आपकी एक है आपका साइबर सेफ वुमन पहल, ये महाराष्ट्र की, ये महिलाओं और बच्चों में जो अत्याचार होते हैं उसके प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना था साइबर सेफ वुमेन पहल के अंतर्गत। शिव भोजन थाली योजना, इसमें जो है गरीबों को जो है 10 रुपए में खाना उपलब्ध कराया जाएगा। रोजगार संगी मोबाइल ऐप, ये छत्तीसगढ़, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, इसमें जो है आपके युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है, रोजगार संगी मोबाइल ऐप, और ये कहाँ कौन से राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है, तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, वीडियो कैसा लगा बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फरवरी माह के करंट अफेयर को देखेंगे, साथ ही साथ हम जो है लास्ट जितने 6 महीने में जितने भी करंट अफेयर हुए उसके मैं एक MCQ सीरीज लेके आऊंगी जिसको आपको करना होगा। ठीक है, एक तरह से आप ये बता समझ सकते हैं कि टेस्ट सीरीज होगा। तो चलिए वीडियो कैसा लगा बताइएगा, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।